खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां इस्तेमाल होने के खदशे का इजहार करते हुए वर्दियां इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि बादी अलनज़र में इस्लामाबाद में एक मुनज़्ज़म गैंग मुतहर्रिक है, गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां पहनकर क्रिमिनल कार्रवाइयों में मुलव्वस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने शहजाद अकबर के भाई मुराद अकबर की बाज़याबी दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि जालसाज़ों के खिलाफ अलग से मुकदमा दर्ज करके कापी अदालत जमा कराएं। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत को बताया गया मुराद अकबर के लापता होने की FIR दर्ज कर ली गई। वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला और DIG ऑपरेशन ने बताया। रेंजर्स, CTD पुलिस ने मुराद अकबर को नहीं उठाया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है कि ऐसी कार्रवाइयों से निमटे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शहरियों के जान व माल का तहफ़ रियासती जिम्मेदारी है। सेक्रेटरी दाखिला, DG रेंजर्स, IG इस्लामाबाद ज़ाती हैसियत में पीर को पेश हों।